फैक्ट एक बड़ी खबर अपने व्यूवर्स को बता दें, उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पेश हुआ है। बड़ी अहम खबर, उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल को पेश किया गया, इस पर चर्चा होगी अब और देखना होगा चर्चा में क्या कुछ खास हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड असेंबली में पेश किया गया है, हालांकि इसकी मुखालफत भी काफी हो रही थी, मगर अब ये विधानसभा में पेश हो गया है और अब इस पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा में क्या कुछ कहा जाता है, ऑपोजिशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखना इसमें अहम हो जाएगा। और चर्चा में इस बिल को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती हैं, ये देखना होगा। तो उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पेश किया गया, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी बिल पेश हो गया है उत्तराखंड असेंबली में और अब से थोड़ी देर में जब इस पर चर्चा शुरू होगी तो उस दौरान क्या कुछ होता है, क्या बातें इसमें सामने आती हैं। हालांकि मुखालफत लगातार हम देख रहे थे, इससे पहले मुस्लिम तंजीमों के कारकुनान की तरफ से नो यूसीसी टोपी लगाकर भी इसकी मुखालफत की गई थी, एहतजाज भी किया गया इस मुद्दे पर कि यूसीसी ना लाया जाए उत्तराखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल अब इस बिल को पेश किया गया है असेंबली में। अब क्या कुछ होता है आगे, इस बिल के पास होने का जो भी प्रोसेस होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, फिलहाल अभी ये पेश किया गया है तो बिल का ड्राफ्ट अभी टेबल पर रखा गया है असेंबली के और अब से कुछ ही देर में जब चर्चा इसमें होगी तो क्या कुछ बातें इसमें सामने आती हैं, विपक्ष की तरफ से अपोजिशन की तरफ से इसमें क्या कहा जाता है और सरकार की तरफ से किस तरह की बातें होती हैं, ये अहम यहां पर हो जाएगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि विपक्ष को भी अपोजिशन को भी हमारा साथ देना चाहिए इसमें, लेकिन अब उनका कितना साथ अपोजिशन देता है ये देखना यहाँ अहम होगा। तो बिल पेश हो चुका है असेंबली में, पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि जब चुनाव हुए थे इस मुद्दे को काफी उठाया था उन्होंने और कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है तो हम इस बिल को लेकर आएंगे, और अब जब ये बिल आने की जो शुरुआत हुई है तो विधानसभा में इस बिल को अब पेश किया गया, इस ड्राफ्ट को टेबल पर रखा गया है और अब चर्चा शुरू होती है तो कौन कौन सी चीजें इसमें सामने आती हैं और इस बिल में क्या कुछ होता है, ये बहुत अहम हो जाता है देखना क्या कुछ पॉइंट्स इसमें होते हैं, क्या बातें इसमें रखी जाएंगी और क्या कुछ रूल्स इस बिल में होंगे, ये तमाम अहम बातें हैं जिसके बाद ही देखिए जो लोगों का रिएक्शन होगा वो सामने आएगा यहाँ पर।